नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्री से। ठीक है, तो कुछ कंपनी का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है आज के दिन। तो पीडीलाइट पर बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल चुका है, लगभग 3.21% का गिरावट के साथ पीडीलाइट क्लोजिंग हुआ है आज के दिन। तो चलिए देखते हैं इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसका जो एम पैटर्न बना था, इससे पहले भी मैंने एक बताया था आपको। ठीक है, एम पैटर्न बनाने के बाद गिरने से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेटेड कर रहा था, ठीक है, दो चार दिनों से। लेकिन जब आज के दिन क्वार्टर वन का नंबर आया, वैसे ही नंबर बहुत ही अच्छा आया है, ठीक है, ख़राब नहीं आया। फिर भी मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो बीट नहीं कर पाया, इस वजह से कंपनी के अंदर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुका है। ठीक है, और वॉल्यूम भी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सेल आउट देखने को मिल गया है। तो चलिए देख लेते, सबसे पहले हम पीडीलाइट का जो नंबर है उसके ऊपर देख लेंगे किस तरह का नंबर पेश किया गया है। उसके साथ ही साथ जो कुछ कंपनियां हैं जो कि आज के दिन बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देख लीजिए पीडीलाइट इंडस्ट्री क्वार्टर वन का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, सारे फिगर इन करोड़ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें तो 3,111 करोड़ का इनकम किया गया था अगले साल, और अभी के टाइम कितना हो गया है, 3,300 करोड़ के आसपास एकदम। ठीक है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस सिर्फ 200 करोड़ का जंप किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं 2,700 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 3,300 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा जंप किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो एकदम फ्लैट कारोबार किया है कंपनी ने। ओके, एक्सपेंस देख लेते हैं इसके बाद सीधा। तो टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 2,640 करोड़ एक्सपेंस था अगले साल, जबकि अभी के टाइम 2,650 करोड़ तक हो चुका है। यानी खर्चा थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस मेंटेन करते हुए नजर आया, तो अच्छी बात है। इसमें प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, 9 पोजीशन पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। 357 करोड़ का नेट प्रॉफिट था अगले साल, जबकि अभी के टाइम कितना हो गया, 473 करोड़। और क्वार्टरली बेस पर बात की जाए तो 285 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 473 करोड़। तो प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप किया है, खर्चा मेंटेन हुआ है, इस वजह से प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो अच्छा खासा जंप तो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो EPS था 10.22, ठीक है, 10.22 रुपये का EPS देखने को एक्सपेक्ट किया गया है, लेकिन कंपनी का EPS कितना आया देख सकते हैं, 9.21 रुपये, यानी थोड़ा सा मिस कर गया है। ठीक है, लेकिन नंबर ख़राब नहीं आया, जितने भी सारे बड़े बड़े कंपनियां होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके चलता है मार्केट। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। वैसे ही पीडीलाइट थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा रैली दिखा चुका है, बहुत ही अच्छा रिटर्न बना चुका है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न तो चाहिए, वो आज के दिन मिल चुका है। ये देखिए अगले साल EPS कितना था, 6.90 रुपये, यानी लगभग 7 रुपये के आसपास EPS बढ़ के कितना हो गया, 9.21 रुपये, 5.5 रुपये का EPS भी बढ़ के कितना हो गया है, 9.21 रुपये। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों साइड से अच्छा खासा जम दिखाई दिया है पीडीलाइट इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी क्या करना चाहिए इस कंपनी पर, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया ये कितना है, 2,480 रुपये के आसपास। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन पर बहुत ही शॉर्ट टर्म में आ सकता है कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो वेट कीजिए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट होने दीजिए, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी देगा मार्केट। ठीक है, तो वैसे ही केमिकल्स कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर चल रहा है इस टाइम, तो अच्छा खासा बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही सही मौका हो सकता है आपके लिए। दोस्तों अगले कंपनी का नाम है ट्रेंड लिमिटेड, तो ये भी एक रिटेल कंपनी है। ये देखिए पहले थोड़ा सा गिरावट दिखा चुका था, उसके बाद लगातार अभी तेजी के साथ ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ ही दिन पहले मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो भी एकदम टॉप लेवल पर जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेटेड करके अभी एकदम साफ साफ ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ही ऊपर चला गया है, तो ये क्लियरली ब्रेकआउट आप कह सकते हैं इस कंपनी को। अगर ये कंपनी आपके पास है तो ज़रूर होल्ड करना ही बनता है। वैसे ही रिटेल सेक्टर से बहुत ही सुंदर कंपनी है, टाटा ग्रुप का भरोसा भी है और कंपनी भी बहुत ही शानदार है। डीमार्ट के बाद इसी कंपनी का नाम आ जाता है, और कंपनी का जो हिस्ट्री है वो कहलाता है बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट से लेकर स्ट्रांग फंडामेंटल से लेकर सब कुछ एकदम बढ़िया देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर होल्ड कीजिए आपके पास अगर रहेगा तो ये कंपनी। और आखिर का कंपनी है प्रकाश पाइप लिमिटेड, कंपनी कुछ ही दिनों से बहुत ही ज़्यादा रैली दिखा रहा है। ठीक है, आज के दिन भी लगभग 8 से 8.5% तक तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग हुआ है,
और कुछ ही दिनों से वॉल्यूम भी देख सकते हैं बहुत ही नेसिव वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बड़े बड़े बाइंग भी देखने को मिल जा रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस बनाकर रखना ही चाहिए। ठीक है, आगे भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, पी के हिसाब से बहुत ही सस्ते दामों पर यह कंपनी अभी भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कुछ कंपनियाँ, तो ज़रूर नज़र बनाकर रख सकते हैं इन कंपनी के ऊपर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।